हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, HTML सीखने की सीरीज में और CSS सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है HTML और CSS का कॉम्बिनेशन। तो आइए देखते हैं कि HTML और CSS में अगर बॉडी पर कलर लगाना है, यानी सीधा सीधा हम बात करें बैकग्राउंड पर अलग अलग टाइप के कलर देने हैं, हेडिंग्स देने हैं, उनका कलर अलग अलग हो तो कैसे हम दे सकते हैं, तो आइए उसको देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से मैं विजुअल स्टूडियो कोड यानी वीएस कोड ओपन कर लेता हूँ। वीएस कोड पर कोडिंग करना थोड़ा ज्यादा आसान होता है, आप चाहे तो नोटपैड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक न्यू पेज लेते हैं, तो यहाँ पर जाकर के और न्यू टेक्स्ट फाइल हम ले लेते हैं। और जैसे ही न्यू टेक्स्ट फाइल लेंगे तो यहाँ पर कोडिंग करनी है। तो कोडिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले तो यहाँ पे कमेंट लिख देते हैं। कमेंट प्रिंटिंग में नहीं आता, ये कमेंट है, डॉक टाइप HTML लिख दिया हमने, ये प्रिंटिंग में नहीं आता, इसे कमेंट कहते हैं। और फिर यहाँ आएगा HTML, फिर आएगा हेड, इस तरीके से हम चलेंगे। और फिर यहाँ पर टाइटल आएगा, तो टाइटल हम क्या करते हैं, टाइटल कर देते हैं हम बैकग्राउंड कलर या बीजी कलर ऐसे दे देते हैं। तो ये कर दिया हमने बीजी कलर, ये टाइटल हो गया। ठीक है, और टाइटल को अब क्लोज करेंगे, तो यहाँ पे टाइटल को क्लोज कर दिया और एंटर किया। नीचे नीचे जाने पर हमें क्या करना है, सीधा सीधा देखिए इस तरीके की कोडिंग मैंने आपको बताई नहीं है, ये इसको ध्यान से देख लीजिए। आप ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ पर आएंगे तो आप सीधे सीधे देंगे बॉडी स्टाइल, क्या लिखेंगे बॉडी स्टाइल, इस तरीके से लिखेंगे। और जैसे ही बॉडी स्टाइल लिखते हैं तो बॉडी स्टाइल लिखने के बाद यहाँ पर इज इक्वल टू लगाएंगे और यहाँ पर देंगे बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड ये लिखा बैकग्राउंड, और उसके बाद डैश देखे लिखिएगा कलर COLOR। और यहाँ पर मैं हेक्साडेसिमल कोड देने वाला हूँ, ठीक है, यानी यहाँ पे हैश लगा करके डबल F यहाँ पे लिखा और 1 2 3 4 टाइम 0 लिख दिया। तो ये आपका हेक्साडेसिमल कोड है जो कि रेड कलर प्रिंट करता है। ठीक है, अब क्या करना है, इसे टर्मिनेट करना है, तो टर्मिनेट पहले करेंगे बाद में ये क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे ये हमने टर्मिनेट करा और टर्मिनेट करके यहाँ पर इसे क्लोज भी कर देते हैं, क्लोज करके एंटर करके नीचे आते हैं। अगर हम हेडिंग भी देना चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे H1 स्टाइल। अब ये CSS ही है, अब किस टाइप का CSS है, इनलाइन है कि इंटरनल है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, एक्सटर्नल तो है नहीं, ये तो जाहिर सी बात है। तो H1 स्टाइल मैं लिख देता हूँ इज इक्वल टू बैकग्राउंड कलर, अब यहाँ पर भी बैकग्राउंड कलर दे रहा हूँ, देखिए बैकग्राउंड के अंदर बैकग्राउंड कलर दे रहा हूँ। ठीक है, तो BACK होगा यहाँ पे, BACK, ये ध्यान दीजिएगा स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, नहीं तो ये चलेगा नहीं। बैकग्राउंड लिख के और यहाँ कलर दे देते हैं, तो ये हो गया बैकग्राउंड कलर। और कलर में क्या दे देते हैं, येलो दे देते हैं, क्योंकि ये रेड पर येलो पता चलेगा, अदरवाइज ये तो पता भी नहीं चलेगा। तो ये हमने कर दिया, अब क्या करना है, यहाँ पर कुछ लिख देते हैं। ठीक है, जैसे क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिख देते हैं हेलो दिस इज CSS। ठीक है, और यहाँ पर क्या करना है, H1 जो आया है उसको क्लोज करना है। ठीक है, H1 को क्लोज कर दिया, फिर एंटर करते हैं, फिर कुछ इसमें चीजें कुछ चेंजेस करते हैं, क्या चेंजेस करेंगे आइए देखते हैं। यहाँ पे पैराग्राफ टैग लगाता हूँ और यहाँ पे लगाता हूँ स्टाइल, इसका मतलब है कि ये भी CSS है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, लेकिन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ इज इक्वल टू लगा के बैकग्राउंड देता हूँ, बैकग्राउंड। तो यहाँ पे H1 स्टाइल BACK, यहाँ देखिए बैकग्राउंड कलर आ रहा है, तो हम यहाँ बैकग्राउंड कलर दे देंगे। और यहाँ पर ना आप चाहे तो कोड दे सकते हैं। ठीक है, कोड कैसे देंगे, यहाँ पर जो भी कलर चूज करेंगे ना उसका कोड अपने आप आ जाता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए अगर हम ये व्हाइट कलर चूज करते हैं तो इसका कोड आ जाएगा, या फिर ये इस तरीके से लिखा हुआ आ जाएगा, आप चाहे तो कोड भी दे सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर जाकर के और यहाँ से आप चूज करेंगे तो यहाँ पे कोड भी आ जाएगा, तो ये कोड है व्हाइट कलर का, देख लीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा, और इसको क्लोज करके यानी टैग को क्लोज करके और यहाँ पे मैं दे देता हूँ HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये हमने दे दिया। और ये देने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर लैंग्वेज की स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, लैंग्वेज ये हो गया। अब क्या करना है, एंटर करके नीचे आना है, और जैसे ही नीचे आते हैं तो बॉडी को क्लोज करना है। ठीक है, तो ये बॉडी क्लोज कर दिया, पैराग्राफ तो कंटेनर और एम्प्टी दोनों हो सकता है, तो इसको हमने क्लोज यहाँ पे नहीं किया है। अब इसको सेव करने की बारी है, तो यहाँ पर इसको सेव कर लेंगे। ठीक है, तो सेव करेंगे तो किस तरीके से सेव करेंगे उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो है ना, यहाँ से आप फाइल पे जाइए और फाइल पे जाके सेव पे सीधा क्लिक कर दीजिए तो सेव कर पाएंगे। ठीक है, और इसको .html एक्सटेंशन के साथ सेव करेंगे, तो यहाँ पे कुछ टाइप कर देता हूँ, जैसे यहाँ पे css.html ये कर देते हैं और एंटर कर देते हैं, तो ये हमारा हो गया। ठीक है, css.html.html करके हो गया है। अब इसको चलाने की बारी है, तो इसको ब्राउजर में ओपन करना है। ठीक है, तो ये ब्राउजर में ओपन किया हमने,
तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ये कलर देखिए काफी इंटरेस्टिंग कलर है यहाँ पे, और ये बैकग्राउंड पे भी कलर आ रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे ये जो कलर है ये बैकग्राउंड का ही कलर है। देखिए यहाँ पर ये बैकग्राउंड का ही कलर मैंने लगाया है। अगर इसमें और भी देना चाहते हैं कलर तो आप और भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जैसे मैंने लगाया है H1, तो यहाँ पर आप इसको उठाइए यहाँ से और इसको कॉपी कर लीजिए, ठीक है। अगर आप H1 ही देना चाहते हो तो, अगर H2 देना चाहते हो, H3 देना चाहते हो, तो आप H1 की जगह H2, H3 या H4 कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये येलो हटा करके कोई और कलर देना हो, जैसे हल्का सा ग्रीन कलर देना हो, तो यहाँ से ग्रीन कलर चूज कर लीजिए, उसका कोड आ जाएगा और बाकी की चीजें तो हो ही जाएंगी अपने आप, ठीक है। बाकी की चीजें दे दी गई हैं पहले से ही। अब इसको चलाते हैं एक बार यहाँ से जाकर के और इसको यहाँ से रन कराएंगे, तो आप देखेंगे कि नीचे ये आया हुआ है लेकिन यहाँ पे कलर नहीं चेंज हुआ है, ये तो व्हाइट ब्लैक ही कलर रह गया। तो एक बार चेक करते हैं, वापिस आते हैं इधर की तरफ, यहाँ पे चेक करते हैं। ये देखिए यहाँ पर H1 तो यहाँ क्लोज हुआ है लेकिन बैकग्राउंड कलर यहाँ पर चेक करना पड़ेगा। ये देखिए बैकग्राउंड कलर ये मैंने दिया हुआ है, तो H1 स्टाइल यहाँ पर सेम कलर तो नहीं आ गया है कहीं। यहाँ से इसको हटाते हैं, ये इतना हटाते हैं, ये जो लिखा है ना इसको हटाते हैं और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर में कुछ और दे देते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो लाइक हम ये ग्रीन वाला देंगे, तो यहाँ पर देखिए ये ग्रीन कलर का RGB 0255 0 है, तो हम नीचे आकर के वही दे देते हैं ग्रीन कलर के लिए RGB देंगे। तो RGB रेड ग्रीन ब्लू होता है RGB, और 0 था पहले, फिर 255 यानी 255, और फिर यहाँ पे 0 था, तो ये हमने दे दिया। अब इसको एक बार सेव करने की बारी है, तो इसको सेव करना होगा, देन इसको चलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से इसको सेव करते हैं, यहाँ से जाके इसको सेव किया और देन इसको चलाते हैं यहाँ से, तो यहाँ पर आते हैं तो देखिए ये कुछ इस तरीके से चलेगा। तो देखिए ये ग्रीन कलर भी आ रहा है, यानी इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि बात आपके समझ में आई होगी कि ये आपको कैसे करना है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिएगा। और यहाँ पर देखिए ये कलर हट गया है, कारण क्या है हटने का कि यहाँ पर हमने चेंजेस कर दिए, यहाँ भी 0255 0255 ये हमने कलर ला दिया है। इस कलर को हमें यहाँ पे नहीं देना है, इसको हटाएंगे और जो कलर हम देना चाहते हैं वही कलर देंगे। तो इसमें हम कौन सा कलर दे देते हैं, तो वही कलर की हैश यहाँ पे लगाते हैं, ये हैश लगाया हमने। और इस बार हम क्या करते हैं, यहाँ पे दे देते हैं FFF और यहाँ पे 999, ठीक है, और एक बार 0, तो ये हमने दे दिया है कलर। और ये जो है ये कलर है, यहाँ पे देख सकते हैं आप चाहे तो यहाँ से कलर भी बदल सकते हैं, यहाँ पे येलो कलर कर सकते हैं या जो भी कलर आप देना चाहें वो कलर दे सकते हैं, तो यहाँ पे वो कोड आ जाएगा, ठीक है। और अब इसको सेव करके दोबारा जब चलाएंगे तो आप देखेंगे कि आउटपुट बहुत शानदार आएगा, और वो आउटपुट क्या है देख लीजिए ध्यान से। देखिए ये इस तरीके का आउटपुट आपके सामने आ रहा है। उम्मीद करता हूँ कि पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।